अस्सलाम वालेकुम। मैं एक कॉन्सेप्ट अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था, वो जेनेटिक क्या कहते हैं उसको, यानी PhD इन जेनेटिक्स है, वो अमेरिका में रहता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था, क्यों ना ऐसा हो जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की बात हो रही है। मैं बोल रहा था क्या हो जाए, मज़ा आ जाए कि वो चीज़ें हम ऐसा अपना एक क्लोन तैयार कर सकें, यानी कि हम अपना एक कॉपी तैयार कर सकें जो हमसे 10 लाख गुना बेहतर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बेसिकली आई एम इंट्रोवर्ट, मुझे पब्लिकली बात करते हुए बड़ा प्रॉब्लम होता है, बट मैंने ट्रेनिंग के साथ उस चीज़ को ओवरकम किया, सही है। फिर इसी तरह बहुत से लोग होंगे जिनको बहुत सी चीज़ों के साथ जो है वो लैकिंग हो गया। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग जो हैं वो आर्टिस्ट अच्छे हैं बट दे कांट रिमेंबर थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो क्या ना ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिजिकली वीक है तो हम ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकेंगे भाई वो ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खूबसूरत कम है तो हम ऐसा कोई क्लोन तैयार कर सकें अपना, जो कि जेनेटिकली यानी कि उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके बना सकें अपना एक क्लोन। तो उसने कहा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ही आती है। पहला तो वो एथिकल इशूज़ तो सबको पता है कि भाई अगर जो क्लोन बनेगा उसके राइट्स क्या होंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि क्लोन्स को जो है हार्वेस्ट करना शुरू हो जाए, जैसे कि ऑर्गन हार्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल किसी का जिगर ख़राब है तो वो अपना एक क्लोन तैयार कराए लैब के अंदर और उसका जिगर निकाल के उसको मरने के लिए छोड़ दे। ये सारी चीज़ें तो हैं, पर इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक क्लोन तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसने मुझे एक आइडिया जो है वो कहा कि सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी की शख्स का क्लोन बनाते हैं तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक क्लोन बनाया जो कि मुझसे 10 लाख गुना बेहतर है, ठीक है, जो कि जिन चीज़ों में मैं लैकिंग हूँ, जो चीज़ें मेरी ख़राब हैं वो उन चीज़ों में मुझसे अच्छा है। तो फॉर एग्जाम्पल, सो ही टोल्ड मी के मिसाल के तौर पे तुम पब्लिक स्पीकिंग जो है ना स्पीकिंग में तुम ख़राब हो और तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहती, तुमने एक ऐसा क्लोन बनाया जो कि चीज़ें भी याद कर सकता है और पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकता है। कहते तो पहले दिन तुम खुश हो कि भाई वो मेरी जगह जा रहा है और जाके पब्लिकली स्पीक भी कर रहा है, और सेकेंडली वो चीज़ें भी ज़्यादा अच्छा रिमेंबर कर रहा है। तो ऐसा ऐसा करता है कि तुम फॉर एग्जांपल अगर कहीं जॉब करते हो तो पहले दिन उसको भेजोगे, दूसरे दिन उसको भेजोगे, तीसरे दिन उसको भेजोगे, अल्टीमेटली करते करते वो तुम्हारी जगह ले लेगा। जब तुम्हारी जगह ले लेगा तो फिर एक नेचुरल फिनोमेना है इंसान का, तुम उससे हसद करना शुरू हो जाओगे। वो चीज़ जो तुमने अपने लिए बनाई थी जब तुम रियलाइज करोगे वो तुम्हारी जगह ले गई है, तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे उसके बाद समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा, उसने कहा कि जो तुमने बात की ना एग्जैक्टली इस चीज़ के ऊपर नेटफ्लिक्स की एक मूवी है, मतलब मूवी नहीं सीज़न है, उसका नाम मैं मेंशन कर दूँगा, बहुत अच्छा। फिर उसने कहा मुझे वो देखना, तो मैंने वो सीज़न देखा, उससे मैंने रियलाइज़ किया यार वाकई। अब उस सीज़न का जो कोर है ना स्टोरी वो मैं समझाता हूँ। एक शख्स एक कंपनी होती है, वो क्या करती है, छुप के चोरी ऑपरेट कर रही होती है, और जितने भी क्या कहते हैं उसको, अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं वो अपना क्लोन बनाना चाहता है तो वो जाएगा और उस वहाँ से जाके बात करेगा और वो अपना क्लोन बनवा सकता है, और वो क्लोन उससे 10 लाख गुना बेहतर होगा हर चीज़ के अंदर। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, ठीक है, कि वो शख्स जो अपने लिए वो क्लोन बनाता है, वो जो क्लोन होता है बेसिकली वो उसकी अच्छा सा जगह लेना चाह रहा था, और जो रियल कॉपी होती है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ की फोटो कॉपी करते हो तो उसकी ओरिजिनल कॉपी वो मार देते थे या फाड़ देते थे, उसकी जो कॉपी होती थी फोटो कॉपी यानी कि जो क्लोन होता था वो जिंदा रखते थे, इसकी वजह से वो उसकी जगह लेता। अब सीन ये होता है कि जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है या ओरिजिनल जो बंदा होता है, क्लोन जिंदा बच जाता है और उसके साथ वो बंदा भी जिंदा बच जाता है। अब वो दो लोग हो जाते हैं, ठीक है। अब वो उसके घर पे जाता है, देखते हैं यार तो मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा मेरे क्लोन को पसंद कर रही है, मेरे ऑफिस वर्कर्स मुझसे ज़्यादा मेरे क्लोन को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। हर वो चीज़ जो मैं करता था अब वो क्लोन कर रहा है। अल्टीमेटली करते करते वो एक महीने के अंदर ही उस क्लोन से तंग आ जाता है, ठीक है। वो चाहता है क्लोन को कि तुम चले जाओ, कहता मैं क्यों जाऊँ, अब तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी जगह ले चुका हूँ, अब तो मैं नहीं जा रहा। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उस सीज़न के ऊपर आप खुद देखिएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं अच्छा कर पाऊँगा, आप खुद देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। एंड बाय दैट आई थिंक इतना ही, दिस इज़ माय साइनिंग ऑफ।